What's up guys, welcome back to another reaction video. आज हम देखने वाले हैं टॉप 13 अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म्स, मतलब कि जो 2022 और 2023 में रिलीज हो रही है, जो पूरी इंडिया, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक. वो क्या कहता है, कन्याकुमारी से लेकर, नहीं वो क्या कहते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रिलीज होने वाली है. तो द डियो फैक्ट चैनल से, और आप बताना इनमें से कौन से मूवीज के लिए आप एक्साइटेड हो, तो जरूर कमेंट करके बताना. ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जरूर चेकआउट करें द डियो फैक्ट चैनल. और तूने कमरा कश्मीर बना रखा है. 1 2 3 गो. इग्नोर. वेलकम टू द अनदर डियो फैक्ट्स. मस्त है ना एंट्री. बॉलीवुड से लेकर पूरे इंडिया में पैन इंडिया फिल्म ही रूल कर रही है, चाहे वो KGF हो, ट्रिपल आर हो या पुष्पा. ऑडियंस अपना सारा प्यार आज पैन इंडिया फिल्म्स को ही दे रही है. एंड हर किसी में पैन इंडिया फिल्म को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है. रिसेंट टाइम्स में हमें काफी बड़ी पैन इंडिया फिल्म्स देखने को मिली, जिसने पॉसिबल हर रिकॉर्ड तोड़े हैं. वेल, अभी पैन इंडिया का टाइम खत्म नहीं, शुरू हुआ है. और हम सभी को कुछ और भी बड़ी अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म्स देखने को मिलने वाली है. Tell me what's happening with Salaar. Have we finished about 30%? So, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद तो आपके एक्साइटमेंट डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी. सो इन बड़ी पैन इंडिया फिल्म्स के बारे में जानने के लिए, जिनका बजट 500 करोड़ से भी ऊपर है, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा. नंबर 1, रामचरण के ट्रिपल आर में परफॉर्मेंस के बाद हम सभी उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. रामचरण की नेक्स्ट फिल्म आचार्य के बाद हमें RC-15 पैन इंडिया फिल्म देखने मिलने वाली है, जिसे डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट करने वाले हैं. फिल्म के लीड में हमें रामचरण एंड कियारा आडवाणी साथ में नजर आएंगे. फिल्म को ट्रेडिशनली एक पूजा सेरेमनी के द्वारा लॉन्च किया गया था. फिल्म की स्टोरी शंकर ने कार्तिक सुब्राज के साथ मिलकर लिखी है. शंकर ने प्रोड्यूसर्स को 200 करोड़ का एस्टिमेट बजट शेयर किया था, जिसे बाद में कट डाउन करके 170 करोड़ प्रोड्यूसर के रिक्वेस्ट पर रखा गया. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म का सॉन्ग के लिए 23 करोड़ खर्च किए गए हैं, और 7 मिनट के एक्शन सीक्वेंस के लिए 7 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए. रामचरण की 15 फिल्म होने की वजह से फिल्म का टाइटल RC-15 रखा गया है, जिसमें रामचरण डबल रोल प्ले कर सकते हैं, फादर एंड सन का. साथ ही इसे 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की फिल्म, जिसके लीड्स विजय देवरकोंडा एंड अनन्या पांडे एंड माइक टाइसन है, एक अपकमिंग बिग पैन इंडिया फिल्म है. ये एक इंडियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ हैं. रॉनित रॉय एंड रम्या किशोर सपोर्टिंग रोल्स प्ले करेंगे. साथ ही माइक टाइसन की इंडियन सिनेमा में एक्टिंग. नंबर 3, KGF चैप्टर 2 के रिलीज के बाद अब लोग डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रभास की फिल्म सलार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ. ये फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील की 4th फिल्म होने वाली है, और प्रभास की कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ 1st. ये फिल्म ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है. फिल्म को कन्नड़ और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली शूट किया गया है. KGF एंड KGF 2 के प्रोड्यूसर्स हुम्बाली फिल्म्स इसका टीजर ऑफिशियली नेक्स्ट मंथ रिलीज करने वाले हैं. फिल्म की कास्ट मेंबर्स में श्रुति हसन, जगुपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड ईश्वरी राव भी है, जो कि KGF 2 में फरहान की मदर का रोल प्ले कर चुकी हैं. फिल्म सभी को इसलिए भी एक्साइट कर रही है, बिकॉज इसे KGF चैप्टर 2 के साथ कनेक्ट किया जा रहा है. नंबर 4, फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र एक अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है. इस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसे हुसैन दलाल एंड अयान मुखर्जी ने लिखा है. साथ ही इस फिल्म की कास्ट में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय एंड नागार्जुन अक्कीनेनी है. इस फिल्म का बजट भी काफी बड़ा है, जो कि 300 करोड़ का है. ये एक ट्रियोलॉजी है, जो कि 3 पार्ट्स में रिलीज होगी. ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म होने के साथ ही आलियन रणबीर की 1st मूवी है. एज पर रिपोर्ट, रणबीर फिल्म में डीजे का रोल प्ले करेंगे, जो अपने फादर की विल के अगेंस्ट जाकर अपनी सुपर पावर्स को डिस्कवर करता है. इसकी स्टोरी को लिखने में आयान को 6 इयर्स का टाइम लग गया, जो कि इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है. फिल्म का लुक एंड विजुअल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं. सो लेट्स सी हमें फिल्म कैसी देखने को मिलती है. नंबर 5, कनाडा की एक और बिग फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है. विक्रांत रोना, अनुप भंडारी की डायरेक्टेड फिल्म है, जिसमें सुदीप कीचा, नीरू भंडारी, जैकलिन फर्नांडिस एंड डेब्यू एक्टर नीथा अशोक लीड रोल प्ले करेंगे. मूवी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज की जाएगी. विक्रांत रोना वर्ल्ड की 1st मूवी है, जिसने मूवी की लोगो एंड स्नीक पीक बुर्ज खलीफा पे रिवील किया है. कीचा सुदीप इंडिया में एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्टर है, जो हिंदी स्क्रीन पे भी नजर आ चुके हैं, और उनका फिल्म में लुक काफी
अमेजिंग है। विक्रांत रोना 95 करोड़ के बजट पर बनी है। मूवी को 100 करोड़ का ओटीटी प्लेटफॉर्म से ऑफर भी आ चुका है जिसे मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया। फिल्म का टीजर ऑलरेडी आउट हो चुका है और मूवी 28 जुलाई 2022 को रिलीज होनी है। नंबर 6, 2022 की बिगेस्ट अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म पुनियन सेल्वन पार्ट 1 मणि रत्नम की डायरेक्शन में बनी फिल्म है। ये एपिक हिस्टोरिकल फिक्शनल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो PS1 के नाम से भी जानी जाती है। फिल्म हमें 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगी। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स कल्कि कृष्णमूर्ति की 1955 की नॉवल पर बेस्ड है। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग भी काफी बड़ी है। फिल्म में हमें चियान विक्रम, जयाम रवि, कार्थी ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिषा जयराम, सुविता धुलीपाला, ऐश्वर्या लक्ष्मी, विक्रांत प्रभु, साथ ही सपोर्टिंग रोल्स में प्रकाश राज, आर सूरत कुमार, आर प्रतिभन एंड प्रभु हैं। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान कंपोज करेंगे और सिनेमेटोग्राफी रवि वर्मन। हम सभी जानते हैं कि मणि रत्नम कितने बड़े डायरेक्टर हैं और वो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ कमबैक करेंगे। मूवी का बजट तो काफी ह्यूज बताया गया है जो कि 500 करोड़ का है। ये फिल्म 30 सितंबर 2022 को रिलीज के लिए शेड्यूल की गई है। नंबर 7, पुष्पा मूवी के फर्स्ट पार्ट ने जो हमें मजा दिया है ना, और अब अगली बारी है पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा पार्ट 2 की, जो कि पुष्पा से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। फैंस पुष्पा पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी हाइप भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। सुकुमार सर ने इंटरव्यू में बताया, द स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड गिविंग अ क्लोजर टू पुष्पास लाइफ। इट विल ट्रेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुष्पा एंड भवन सिंह शेखावत। फिल्म को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज किया जाने की बात हुई है। तो सारा कुछ अगर सही रहता है तो मूवी हमें दिसंबर में देखने को मिल ही जाएगी। और ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि फिल्म के सेकंड पार्ट में हिंदी ऑडियंस के लिए कुछ चेंजेस सुकुमार जी ने खुद से किए हैं। अच्छा। नंबर 8, लाल सिंह चड्ढा बॉलीवुड की पैन इंडिया रिलीज फिल्म होने वाली है। ये ऑफिशियली एडेप्टेशन है ग्रेट मूवी फॉरेस्ट गम की। फिल्म काफी टाइम से ऑडियंस का इंटरेस्ट खींचे हुए है। 11 अगस्त को इस साल रिलीज होनी है और साथ ही फिल्म में साउथ एक्टर्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो इसके स्टार कास्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की 4 साल बाद ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा आनी है जिसे डायरेक्ट करेंगे अद्वैत चंदन। लाल सिंह चड्ढा को इंडिया की 100 से ज्यादा लोकेशंस में शूट किया गया है। साथ ही आमिर खान टॉम हैंक्स के लिए लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग रखना चाहते हैं। मूवी 180 करोड़ की हाई बजट फिल्म है। इस मूवी को लेकर आप अपने थॉट्स भी हमें जरूर शेयर करें। क्या एक हॉलीवुड की रीमेक होने के बाद भी आप इस मूवी को देखना पसंद करोगे? नंबर 9, रियल लाइफ बेस्ड फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एक सोल्जर जो 2008 मुंबई अटैक में मारे जाते हैं। मूवी में विनीसेस लीड रोल में होंगे विद प्रकाश राज एंड रेवती। ये फिल्म शशि किरण टिक्का के डायरेक्शन में बनी फिल्म है। फिल्म को हिंदी और तेलुगु में बनाया जा रहा है। अद्विनी मानते कि यह फिल्म एक ट्रू सेंस में पैन इंडिया फिल्म है और साथ ही फिल्म के एक्टर अद्विनी ही राइटर हैं, जिन्होंने मेजर संदीप की लाइफ को इंटेंसिव रिसर्च के साथ पूरा किया है। ये फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म होगी जो बायोग्राफी फिल्म है। पेट्रियोटिक बनना सबका काम है और उन पेट्रियट्स की रक्षा करना सोल्जर का काम है। नंबर 10, प्रोजेक्ट के नाग अश्विन की साइंस फिक्शन डायरेक्टेड फिल्म है जिसके मेन लीड प्रभास, दीपिका एंड अमिताभ बच्चन हैं। फिल्म करंटली रामोजी फिल्म सिटी में शूट हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे और कुछ का कहना है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिसमें दीपिका एम्प्लॉय होंगी, बट नथिंग इज कन्फर्म। वेल वी ऑल नो प्रभास को अब ज्यादातर बिग बजट मूवीज ही ऑफर होती है और ये फिल्म भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 400 करोड़ के बजट पर बनाई जाएगी। Definitely a dream combination in terms of the cast on board. प्रभास का अमिताभ सर के साथ काम करने का सपना था जो कि इस फिल्म से पूरा हुआ है। फिल्म को नेक्स्ट ईयर मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट मूवी मानते हैं। नंबर 11, रवि तेज अपनी फैमिली एंटरटेनर फनी एक्शन फिल्म की वजह से साउथ के साथ साथ हिंदी ऑडियंस में भी काफी पॉपुलर है। रिसेंटली उनकी फिल्म खिलाड़ी आई थी जिसे लास्ट मोमेंट पे हिंदी में रिलीज किया गया था और वो मूवी कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला, पर उनकी नेक्स्ट पैन इंडिया फिल्म ऑफिशियली हिंदी में रिलीज होनी है। फिल्म में रमा राव एक सिविल सर्वेंट है जो करप्शन को जड़ से उखाड़ना चाहता है टू हेल्प पीपल हु सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। ये फिल्म 17 जून 2022 को रिलीज होने वाली है जो शरत मंदवा के डायरेक्शन में बनी है। नंबर 12,
इंडियन 2 कमल हसन एंड डायरेक्टर शंकर की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है। 1996 इंडियन का ये सीक्वल होगा जो एक्शन से भरा पड़ा होगा। इंडियन 2 भी अपने बिग बजट के कारण बज में है और 20 इयर्स बाद शंकर एंड कमल हसन एक साथ काम करते हुए दिखेंगे। फिल्म में एक एक्स फ्रीडम फाइटर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को मारता है और कहानी इसी के पार्ट 2 में आगे के प्लान्स के साथ कंटिन्यू होगी। इंडियन 2 को पॉज पे रखा गया है बिकॉज शंकर आरसी 15 को कंप्लीट करने में टाइम दे रहे हैं। अगर आपने कमल हसन की 1996 की इंडियन फिल्म देखी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी थी। नंबर 13 ओम राउत और प्रभास की अपकमिंग बिग पैन इंडिया रिलीज आदिपुरुष है जो रामायण पर बेस्ड होगी। फिल्म का बजट हिला देने वाला है और इसका बजट मेकर्स ने 500 करोड़ रखा है। आदिपुरुष को हिंदी एंड तेलुगु में साइमल्टेनियसली शूट किया गया है। फिल्म में कृति सनन एंड सैफ अली खान भी होंगे। फिल्म का क्रेज लोगों में अभी से काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रभास का लुक भगवान राम के जैसा है जो उनपे काफी सूट भी कर रहा है। अब ये देखना अमेजिंग होगा कि फिल्म कितनी स्ट्रांग है, ये फिर रामायण अडैप्टेशन है या फिर न्यू फिक्शनल स्टोरी। वी होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो यार देख इस बात की आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही ऐसी वीडियोस को बहुत सारी मूवीज आने वाली है और तो बिग बजट होने वाली है, प्लस जो स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है बहुत फिक्शनल साईफाई जो आ रही है ना, ये बहुत एक्साइटिंग मतलब अलग दिख रहे हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र है, 6 साल लगी उसकी स्टोरी लिखने में, तो होपफुली कुछ अलग हट के देखने को मिलेगा। शूट कर रहे थे उसमें देखा था मैंने, तीन पार्ट में आएगी ये आदि पुरुष के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रोजेक्ट एक्स प्रभास की वो भी काफी इंटरेस्टिंग, और राम जी की आरसी 15 जो उनकी 15th मूवी है उसके लिए बहुत कुछ, और केजीएफ और पुष्पा तो भाई ये तो दो है ही। हाँ। सलार आएगी अभी तो उससे पहले सलार उससे पहले सलार कुछ सलार में पता लगे क्या कनेक्शन है और क्या वो ही बच्चा है जिसने उसको बचाया, पता चले वो एकदम अलग है लेकिन कनेक्शन तो लग रहा है कहीं ना कहीं, हमें भी कनेक्शन लग रहा है। और वो जो उसकी मम्मी वाला कैरेक्टर जिसने प्ले किया था, हाँ, और तेरे को वो इंडियन वो लग रही होगी शायद से, वो सनी देओल वाली, हाँ मुझे वही लगा, ये अलग इंडियन थे शायद से। तो आप कौन सी मूवीज के लिए एक्साइटेड जरूर कमेंट करके बता रहे। बाकी अगर बात करी जाए मूवीज की तो नो डाउट राइटर से लेकर डायरेक्टर हर एक का बहुत ही बड़े लेवल पर काम होता है और फिर प्लस एक बजट के अंदर मूवी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जांपल 200 करोड़ का बजट सेट करते हैं, कई बार मूवी 250 करोड़ पहुंच जाती है तो प्रोड्यूसर पे भी बर्डन होता है, प्लस कोविड की वजह से बहुत सारी मूवीज को रोकना पड़ा जिससे इंटरेस्ट भी मूवीज, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमेशा सारा पैसा जेब से लगा जाता है मूवीज के लिए, लोन लिया जाता है फिर मेकर्स को उसके लिए इंटरेस्ट पे करना होता है हर चीज, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने सफर किया है सिनेमा इंडस्ट्री ने। लेकिन अब जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो मूवी अप्रिशिएटेबल है लोग जाकर देख रहे हैं उनको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एज एन इंडियन सिनेमा मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से मूवीज आ रही है सामने, और पैन इंडिया मूवीज है ना, जो अब लोग ये नहीं देखते हैं कि जो फैन फॉलोइंग जिनकी है, जैसे पहले क्या होता था कि एक्टर्स अगर साउथ इंडस्ट्री के हैं वहाँ की फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो उसे वही देखेंगे, नहीं अब अगर स्क्रिप्ट अच्छी है अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया ना पूरा, ये अब ये नहीं देखते कि हाँ इस स्टेट का हीरो या फिर यहाँ का, वो देखते कि स्टोरी लाइन अच्छी है मजेदार मूवी है तो भैया पूरी इंडिया देखते है उस मूवी को। और ये अच्छा लगा मेरे को ये ट्रेंड कि मूवी सिर्फ एक्टर की वजह से मत देखो, मूवी देखो स्टोरी लाइन की वजह से भी देखो हमेशा, क्योंकि कई बार क्या होता है मूवीज ऐसी आई है जिसमें स्टार कास्ट बहुत गजब होती है लेकिन मूवीज की फिर भी मतलब क्रिटिक्स इतनी बुराई कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है स्टोरी लाइन। और ये चीज है अब जैसे ब्रह्मास्त्र के लिए काफी हाइप क्रिएट हो चुकी है, उसमें बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट बजट भी अच्छा खासा लगा है और आदि पुरुष के बारे में भी काफी कुछ सुनने को आया, तो और केजीएफ का तो नो डाउट क्रेज है, सलार का है ही है, तो होपफुली अब अमेजिंग मूवीज और देखने को मिलेंगी। पुष्पा भी इस साल ईगरली वेटिंग फॉर दैट। तो बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।